आज हम इलॉन मस्क की जो कोटेशंस है उसकी डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो जो सबसे पहला कोट है वो है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। मतलब लाइफ में कुछ भी करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि पहले हमको अपने माइंड में इस बात को एस्टैब्लिश करना होगा, यानी कि अपने माइंड में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो हम करने वाले हैं वो पॉसिबल है। अगर पहले ही हमको डाउट है कि वो पॉसिबल भी है या नहीं है तो उसके बाद हम कुछ भी कर लें उसका कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, यानी रिजल्ट सही आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पर ज़्यादा कुछ किसी ने अचीव नहीं किया है, या एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पर के जो आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है, कभी बिजनेस नहीं किया है, तो जैसे ही आप अपने बेस पर कोई बिजनेस करने के बारे में सोचोगे भी तो सब डरने लग जाएंगे। सब आकर के आपको क्या कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपके खुद के माइंड में आना चाहिए कि ये पॉसिबल है, तब अगर आप बिजनेस करो तो वो बिजनेस करने का कोई फायदा है। अगर आपके खुद के भी माइंड में डाउट है कि पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। वंस यू अंडरस्टैंड कि ठीक है अभी तक किसी ने नहीं किया है, अभी तक नहीं हुआ है, पास्ट में नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं हो सकता है। मुश्किल हो सकता है लेकिन पॉसिबल तो है, हो सकता है बहुत ही मुश्किल हो वो करना, क्योंकि जो बंदा जो बिजनेस बैकग्राउंड से है उसको तो पूरा पीछे से सपोर्ट मिलने वाला है, उनके पास में नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है। इस बंदे के पास में ना तो नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना पैसा है, ना सपोर्ट है घर वालों का, तो इसका मतलब क्या है कि इसको मुश्किलें उससे हजार गुना ज्यादा आने वाली है। लेकिन अगर वो एक्चुअल में करना चाहता है तो पहले उसके माइंड में ये थॉट प्लांट होना बहुत जरूरी है कि पॉसिबल है, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकलेंगे कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, तो पक्का उसका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है, तो डर करके चलाएगा, तो काम काम करके चलाएगा, तो नहीं भी एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा, तो वो एक से लाख वहां पे नहीं पहुंच सकता। बट उसके माइंड में अगर ये क्लियर है कि नहीं नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां मैं पहुंच सकता हूं, हाँ हो सकता है रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, ट्रैफिक जैम होगा, ये होगा, वो होगा, हो सकता है मेरे से जल्दी कुछ लोग पहुंच जाए, मैं थोड़ा लेट पहुंच जाऊं, लेकिन मैं पहुंच सकता हूं। वंस दैट इज क्लियर, अब अगर वो ड्राइव करे तो उसमें एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस होगा, और कोई प्रॉब्लम आई तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस उसको फेस कर पाएगा। तो जब भी आपको कुछ ऐसा करना है जो पास्ट में नहीं हुआ है, दैट कुड बी एनीथिंग, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो सबसे पहले माइंड में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर आपने अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर भी लिया है कि ये पॉसिबल है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है? नहीं, चाहे कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वहां पर प्रोबेबिलिटी काम करती है। वी कांट बी 100% श्योर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन एनीथिंग। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा रहता ही रहता है। मान लो कोई मशीनरी है, उसको ऑपरेट करने का एक तरीका है, उसकी एक मैनुअल है, और उसको उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो जैसा कि बताया हुआ है, तब जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है दैट कुड बी 99.99%। इट कांट बी 100%, क्योंकि हो सकता है मशीन बंद पड़ जाए किसी और रीजन से, बट वो प्रोबेबिलिटी भी तभी काम करती है जब आपके माइंड में एस्टैब्लिश हो चुका हो कि इट इज पॉसिबल मैं इस मशीन को ऑपरेट कर सकता हूं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में हम अपने घरों में देखेंगे, जैसे कोई भी ऐसा गैजेट होता है जो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कोई नया स्मार्टफोन आया है या कोई नए फीचर्स आए हैं, तो जो एक पर्टिकुलर एज पे लोग हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो कैसे घबरा जाते हैं उसको देख करके, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी जल्दी सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये थॉट नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर ध्यान से इस कोटेशन को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी भी जरूरत सिर्फ तब है जब हमारे दिमाग में ये बैठा हो कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं तो इस थॉट की भी जरूरत नहीं है कि ये पॉसिबल है। एक बच्चे के माइंड में तो ये बैठा ही नहीं है कि ये काम करना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। बट जो बड़े हैं उनके माइंड में क्या बैठा हुआ है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, अरे भाई मुझे ये सब समझ नहीं आता है, तो उनके माइंड में इम्पॉसिबल बैठा हुआ है। तो उनके माइंड में एस्टैब्लिश करना पहले जरूरी है कि भैया आपकी एज ज्यादा है, आपके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपके पास में दिमाग उस बच्चे से ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते अगर वो बच्चा कर सकता है? तो उसके माइंड में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। बच्चे के माइंड में एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को आप कहोगे कि पॉसिबल है इसे आपको ऑपरेट करना, वो कहेगा क्या बोल रहे हो, कह रहे मेरे लिए तो वैसे ही सब कुछ खेल है। कहते मैंने कहा कब कि इम्पॉसिबल है, तो मुझे आप क्यों कह रहे हो कि पॉसिबल है? समझ गए ना
ये आसान वर्ड की जरूरत कहां पर है? जिसके दिमाग में बैठा हो कि मुश्किल है, जिसके लिए वैसे ही सब कुछ आसान है, उसको इस वर्ड की जरूरत तक नहीं है कि आसान है। नेक्स्ट कोट इज, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें जो वर्ड है ना, जिस पे ध्यान देना है, वो है चूज। मतलब क्या कहा जा रहा है दूसरे वे में, कि हर वो इंसान जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं, जिसने भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, वो तो सारे ऑर्डिनरी हैं। उनकी क्या चार आंखें होती हैं, चार कान होते हैं, आठ हाथ होते हैं, 10 पैर होते हैं, दिखने में और हर तरीके से वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के जैसे होते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी होते हैं। फर्क क्या है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में? चॉइस का फर्क है। टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इज नॉट अ मैटर ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनहेरेंट और इनबॉर्न क्वालिटी, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। वी कैन चूज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वी कैन चूज टू बी ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो करते हैं, कब करते हैं? लाइफ में एक बार या हर रोज, लाइफ के हर मोमेंट में जो वो करते हैं, जिस तरह से वो चॉइसेस लेते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा डिसीजन हो सुबह जल्दी उठने का। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जहां पर ये देखा गया है कि जिन भी लोगों ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में अचीव किया है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो अगर आप भी सुबह जल्दी उठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाओगे, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए और भी 100 काम करने पड़ेंगे, लेकिन उन 100 में से एक क्या है? सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ करके अपने दिन को प्लान करना, ये देखना कि इस दिन को मैं मीनिंगफुल कैसे बनाऊं, कि आज मैं क्या अलग करने वाला हूं, या आज के दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं। इफ यू चूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्यों? क्योंकि वो करना सही है, तो ये आपको ऑर्डिनरी से थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, और थोड़ा थोड़ा करके बंदा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता चला जाता है। 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं एक ऐसे मोमेंट का जब अंदर से एक फीलिंग आए एक काम को करने की, तब मैं वो काम को करूंगा। और मजे की बात क्या है, वो फीलिंग कभी नहीं आती। सही काम करने की फीलिंग कब आती है? कभी आती है। और गलत काम करने की फीलिंग लाने की हमको जरूरत ही नहीं है, वो आती ही रहती है। अच्छा हेल्दी खाने की कभी फीलिंग आ सकती है अंदर से? या टेस्टी खाने की फीलिंग आएगी, चाहे वो अनहेल्दी भी हो। एक्सरसाइज करने की क्या कभी किसी के अंदर फीलिंग आ सकती है? नहीं आती है। तो अगर फीलिंग नहीं भी आ रही है, तब भी अगर वो बंदा चूज करता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, इसलिए नहीं कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, इसलिए कि वो तो करना ही है, दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अब ये चॉइस किसके बेसिस पे होती है? दो बेसिस पे हो सकती है। एक, जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके बेस पे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, किसी हालत में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा। दूसरा हो सकता है आपकी विल पावर के बेस पे। मतलब अगर दूसरे वे में बोला जाए कि अगर आप लाइफ में एक्चुअल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, कि मेरी फीलिंग्स ये कह रही है मत कर, लेकिन मेरी इच्छा है इसको करने की। तो उस इच्छा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो हावी हो जाए आपकी सारे के सारे डर के ऊपर, कि उस डर के बावजूद भी आप वो कर पाओ। अब ये इच्छा शक्ति क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आपके ऊपर है, आप अपनी इच्छा को कितनी शक्ति दे सकते हो। ये भी तो एक चॉइस ही है ना, कि आपकी इच्छा में कितनी शक्ति है। अपने आप में किसी की इच्छा में कोई शक्ति नहीं होती है, पर जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका डिजायर है, अगर उसको आप स्ट्रांग करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, यानी कि अगर आपका डिजायर स्ट्रांग है आपकी फीलिंग से, तो आप उस काम को कर जाओगे। तब आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो कि आगे जाकर के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो। नेक्स्ट कोट इज, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। जब कोई काम करना बहुत ही जरूरी होता है, तब आप वो काम करते हो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि तब आपको वो काम करना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि यू डू इट, तब आप वो काम कर देते हो इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। मतलब कि आपको पता है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है उसके अंदर, फिर भी आप वो काम करते हो, फिर भी आप रिस्क लेते हो। मतलब आपको पता है कि उसमें बहुत रिस्क है, फिर भी आप करते हो। कब करते हो? जब आपको पता होता है कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, कि करना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जंगल में खो गए हो और प्यास से तड़प रहे हो, तो वहां पर क्या करोगे? वहां पर बैठ करके एक्सक्यूजेस दोगे कि यहां पे पानी नहीं है? क्या करोगे वहां पर? किसी भी तरह से पानी को ढूंढने की कोशिश करोगे, जबकि चांसेस बहुत कम है कि आपको पानी मिल पाएगा वहां पर।
क्योंकि आप जंगल में खो चुके हो, आपको रास्ता नहीं पता है, लेकिन फिर भी मरते दम तक कोशिश करते रहोगे। क्यों? क्योंकि प्यास बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि प्यास एक्चुअल में है, रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। जैसे ज्यादातर मेरे सेशंस में एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है, लोग पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़े चार्ज्ड अप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है, कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हें कुछ एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बैठे बैठे तुम्हारे मां बाप खिला रहे हैं, इसलिए वो मोटिवेशन टेम्पररी है। एक्चुअल में आपके अंदर से डिजायर नहीं आ रहा है, एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी वीडियो देखी और चार्ज्ड अप हो गए, टेम्पररी है, कुछ देर के लिए हो गए, एक्चुअल में तो प्यास है ही नहीं। तो वही यहां पे कहा जा रहा है, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, कि जब कोई काम करना बहुत जरूरी होता है, बहुत मतलब बहुत जरूरी होता है, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, तब आप वो काम करते हो बावजूद इसके कि आपको पता है कि मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। अगर इस कोट के कॉन्टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमको इलॉन मस्क का जो भी बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, कैसे कैसे काम करे। इनफैक्ट जो भी कुछ आज तक इन्होंने किया है, 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस करे हैं, वो सब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे, वहां पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे। और सिर्फ आज तक जो किया वो ही नहीं, अभी भी जो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ही इज गोइंग फॉर इट। क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? इलॉन मस्क के लिए खुद के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी अ बिलियनेयर। ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार्स या फिर एनर्जी एफिशियंट कार्स, ये बनानी बहुत जरूरी है ताकि पोल्यूशन कम हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग का हम सोल्यूशन निकाल सके, तो ये करना जरूरी है। तो अब ये करने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी फेलियर्स आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, करना है तो करना है। इनफैक्ट जो भी उन्होंने आज तक लाइफ में किया है, हर एक फील्ड के अंदर बिल्कुल एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचे हैं वो। यानी कि पहली बार जब वो कार बनाई तो सोचा था कि कॉस्ट आएगी अराउंड $50,000 के आसपास में, कॉस्ट आई $1,00,000। फिर दूसरी बार बनाई, फिर कॉस्ट थोड़ी कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फाइनली जाकर के उनको सक्सेस मिली और अब जाकर के उनकी कार बिकनी शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से, जहां सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, देन ऑल्सो ही डिड इट। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, अलग अलग फील्ड्स में कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, फिर भी किया। क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी था। तो तीन चीजें हैं जो यहां पर हमको आगे लाइफ में ले जा सकती हैं। पहला, या तो आपकी एक्चुअल में कोई नीड हो, वो नीड आपको भगाएगी, वो नीड आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी, जैसे मैंने अभी जंगल वाला एग्जांपल दिया था कि जहां पे एक्चुअल में प्यास है, तो अब उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो या तो एक्चुअल में नीड हो, या फिर अपनी लाइफ के अंदर ही आपको कोई ऐसा मीनिंग मिल गया है, कोई ऐसा पर्पस मिल गया है, कोई जीने की ऐसी वजह मिल गई है जो आपको भगा रही है, या फिर अगर आप इस लेवल से भी आगे आ गए हो, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा मीनिंग चाहिए जो हो सकता है आपके लिए मीनिंगफुल ना हो, लेकिन सबके लिए मीनिंगफुल हो। तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी कोई भी काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी मैं सेशंस कर रहा हूं, इसके पीछे क्या मोटिव है, किस लिए कर रहा हूं, कैसे मुझे कुछ मिलने वाला है फाइनेंशियली? नथिंग एट ऑल, बल्कि जाने ही वाला है, टाइम जाने वाला है, एंड टाइम इज मनी। तो क्यों मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं इन सेशंस को करने में, किस लिए, क्या वजह है? क्योंकि ये करना जरूरी है, वही जो इस कोटेशन में लिखा हुआ है, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, क्योंकि ये करना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मेरे लिए नहीं है, मुझे तो जो करना था लाइफ में वो मैं कर चुका हूं। किसके लिए जरूरी है? जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जरूरी है, जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको एक सही डायरेक्शन दी जाए, ये जरूरी है। हो सकता है मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये करना जरूरी है तो इसको करना है तो करना ही है, एज सिंपल एज दैट। जब कोई काम करना बहुत जरूरी होता है तो ये नहीं सोचा जाता है कि मेरे करने से क्या होगा, करना है तो करना है, ये थॉट वहां पर चल रहा होता है, यहां से एनर्जी मिलती है, फिर वो एनर्जी पूरे फ्लो के साथ में बाहर आती है। और जब इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ में हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है, फिर वो काम एक अलग लेवल पे चला जाता है।